नमस्कार साथियों, क्विक न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके आसपास कोई तूफान या चक्रवात आ जाता है तो आपको उससे कैसे निपटना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि तूफान या चक्रवात आने की स्थिति में टीवी या रेडियो के जरिए खबरों और सरकार की ओर से जारी सूचनाओं को सुनते रहना चाहिए। दूसरा, सरकार की ओर से जारी चेतावनियों को ध्यान से सुनिए, इससे किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में आपको मदद मिल सकेगी। तीसरा, आपके पास जो भी सही जानकारी हो उसे अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें। चौथा, तूफान आने की स्थिति में जितना जल्दी संभव हो समुद्री किनारे से दूर चले जाएं। पांचवा, अपने घर में जो भी सुरक्षित जगह हो वहीं पर पनाह लेना चाहिए। छठा, अगर सरकार की ओर से खतरे को देखते हुए घर को खाली करने को कहा जाए तो बिना झिझके खाली कर दें। सातवा, अगर घर में है तो खिड़की दरवाजों को कसकर बंद कर दीजिए और उनके पीछे कोई भारी चीज रख दीजिए। आठवा, तूफान आने के वक्त घर में बिजली का मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। रोशनी के लिए टॉर्च, मोमबत्ती और माचिस अपने पास रखें और इसका इस्तेमाल करें। नौवा, अगर घर में पाइपलाइन के जरिए गैस आती हो तो उसकी मेन सप्लाई भी बंद कर देना चाहिए। दसवा, पीने के पानी का पर्याप्त इंतजाम कर लेना चाहिए। खाने की ऐसी चीजें भी स्टोर कर लेनी चाहिए जिसे पकाना ना पड़े। ग्यारहवा, घर में फर्स्ट एड किट तैयार करके रख लेना चाहिए। बारहवा, तूफान के दौरान बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तेरहवा, अफवाहों और गलत खबरों पर बिल्कुल भरोसा न करें, किसी भी खबर पर जांच परख कर भरोसा करें। चौदहवा, जब तक सरकार घर लौटने को ना कहे तब तक घर ना लौटें। पंद्रहवा, अपने लोगों से संपर्क में रहना चाहिए, अपने मोबाइल चार्ज करके रखें। सोलहवा, अगर तूफान के दौरान घर के बाहर फंस गए हैं तो बचने के लिए किसी पेड़ का सहारा बिल्कुल ना लें। सत्रहवा, तूफान के दौरान कितनी जल्दी हो सके किसी कंक्रीट के मकान के नीचे आने की कोशिश करें। उन्नीसवा, अगर तूफान के दौरान ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार की खिड़की दरवाजे बंद कर लें और जल्द से जल्द कार को किसी मकान के नीचे पार्क करने की कोशिश करें। कभी भी कार को पेड़ के नीचे ना रोकें। बीसवा, अगर आप मछली पकड़ने का काम करते हैं तो चक्रवात के दौरान समुद्र में ना जाएं। ऐसे में अगर तूफान या चक्रवात के दौरान आप इन सावधानियों को रखते हैं तो आपको नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। तूफान के दौरान बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, इस दौरान सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे? अगर सही लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।